तिलावत के लिए हाफिज मुजफ्फर साहब को दावत देता हूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत के जरिए से इस मजलिस का आगाज करें। तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नातिया कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद मतीन को दावत देता हूँ कि वो नातिया कलाम पेश करे। अता कर तू शाने रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तो खिदमत का इस्लाम में एक बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। अल्लाह का करम और उसका एहसान और उसका शुक्र है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमारे इमरान भाई को जो है हमारे मिक्कीरी के शहर के बसने शहर में बसने वाले लोगों की खिदमत के लिए कबूल किया है। तो हम जो है इनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो दिल जान के ज़रिए से हर एक की, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाला ही क्यों ना हो, हर एक की जो है दिल खोल कर खिदमत करें। और हमें अल्लाह से दुआएँ करते हैं कि अल्लाह इन्हें बार बार ये खिदमत का मौका दे। जिस तरह दिया है आइंदा मुस्तकबिल में अल्लाह इनसे और भी बड़ी खिदमत ले। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप भी इसी तरह दुआएं करते हुए इनके हक में अब जो है इनका इनकी जो है गुल पोशी और शाल पोशी का जो हमारा प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाए। ये जो गुल पोशी और शाल पोशी का जो अभी फिलहाल जो सिलसिला शुरू है, शाल पोशी जो की जा रही है ये जमीयत उलमा हुक्केरी की तरफ से की जा रही है। शाल पोशी और गुल पोशी और जो भी यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल जो शाल पोशी की जा रही है ये जमीयत उलमा हुक्केरी की तरफ से की जा रही है। फारुकिया हलके के कुछ नौजवानों की तरफ से ये गुलपोशी की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा हुक्केरी की तरफ से और फारुकिया हलके के कुछ नौजवानों की तरफ से जो न्यू चेयरमैन पंचायत के बने हुए हैं उनकी गुलपोशी और शालपोशी इसमें की जा रही है। और आखिर में दुआ की मजलिस होगी। इंशाल्लाह दुआ की मजलिस में भी बहुत बेहतरीन दुआ हुई है। आप दुआ को सुने। अपने ईमान अमल की हिफाजत के साथ अल्लाह इस खिदमत में लगे रहने की तौफीक अता फरमा।